अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़ाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नज़ाकत इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट के कनेक्शन करना। देखें, कनेक्शन उसकी पावर सप्लाई के मैं करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप उसके, यानी अगर ये नहीं कि आप कनेक्शन हाइड्रोलिक लिफ्ट आपके पास आ गई है, उसकी थ्री वायर निकली हुई है और थ्री वायर आपने दूसरी पकड़ी, टच कर दी, तो ऐसे आपकी जो उसका जो लोहा है, जो पैनल है, वो ब्लास्ट कर सकता है। उसमें ब्लास्ट करने वाली क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ और किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इससे होता आपका कुछ नहीं जाएगा, आपने अगर सब्सक्राइब लाइक माइक कर दिया तो आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि मैं कोई न्यू वीडियो और डाल दूँ। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, उसके लिए ढूंढना पड़ता है, मवाद ढूंढना पड़ता है, किस तरह से फिर वीडियो बनानी होती है। तो इसलिए हमारा दिल करता है कि चलो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर हम बनाते रहें। देखें, ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए, करने के वाले होते हैं, आपको पता होना चाहिए किस तरह से करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसके हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्या कोई भी ऐसी मशीन है, अगर आपके पास आती है, सबसे पहले आप उसको अंदर जो उसका पैनल है वो देखें। देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से किराए पर लेके आते हैं तो हो सकता है उसके पास जो है, यहाँ अगर सऊदी अरब में तो थ्री वायर में 220 भी आपको करंट मिल सकता है और थ्री वायर में 380 भी मिल सकता है। आपने उस हिसाब से उस पैनल के कनेक्शन करने होते हैं पहले, यानी एक दो वायर होती है आपने चेंज करनी होती है, उसके बाद आप फटाफट से ये तीन वायर लगाएं और चला दें। लेकिन अगर आपने गलत कर दी, गड़बड़ कर दी, आपने देखा नहीं है, तो उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है और वो हो जाएगा ब्लास्ट। ठीक है, तो कैसे होगा ट्रांसफार्मर? अगर आपके पास 220 पर कोई भी मशीन चलती आ रही थी, 220 पर थी, तो जब आपके पास आई, आपके पास आपने करंट देखा 380 है और आपने भी देखा थ्री वायर है, तो आपने थ्री वायर लगा दी। अभी जो उसने टच किया होगा करंट, जो उसके पास एक ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में, तो उसने उस ट्रांसफार्मर के साथ जो है ना, नहीं उसने कोई छेड़छाड़ की, तो जब करंट 380 लगाएगा तो ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑप्शन होती है कि आप उसमें एक 220 वाली वायर निकालें और 380 वाली पे लगा दें। लेकिन जब आप नहीं लगाएंगे तो 380 आएगा और 380 ही ट्रांसफार्मर में जाएगा और वो जल जाएगा। आपने ज़्यादा एहतियात करनी है जब आप वायर लगाते हैं, तो आप पहले 220 380 वायर इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास 220 ही है, आपको थ्री वायर में 220 मिल रहा है, तो फिर आप आसानी से उसके कनेक्शन किसी भी दो वायर के साथ जो है ना वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास 380 है तो फिर आपको एक वायर और लेके आनी पड़ेगी 220 की। अगर आपके पास ये 220 वाली वायर नहीं है, यानी इसके साथ टच करेंगे तो 220 मिलेगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप 380 ही लगाएंगे। तो जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है वहाँ पर एक वायर 220 पे लगी होगी, वो आप निकाल के 380 पे लगा देंगे और फिर जो है ना आप अपने कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करेंगे तो आपकी हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएंगे ठीक, और फिर आपकी जो लिफ्ट है या कोई वेंच है या कोई भी चीज़ है तो वो रन करेगी ज़बरदस्त। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं तो रहने दें, कोई बात नहीं है, बस आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। ये मेरे पास है जी हाइड्रोलिक लिफ्ट और ये उसका पैनल है। यहाँ पे करते हैं हम इसके कनेक्शन। सबसे पहले हम वायर देख लेते हैं और ये लिफ्ट आपने पूरी देख ली, ये वायर है, तीन वायर मैंने लगाई हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 220 है हर वायर में। अगर आपके पास 380 है तो एक वायर आप ये साथ वाली लगा लें ताकि 220 अगर आपको ट्रांसफार्मर के लिए चाहिए तो 220 लगा लें। अगर आपके सिर्फ तीन वायर ही हैं 380 वाली, तो फिर आप ट्रांसफार्मर में आप 230 चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पैनल को ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये कंटेक्टर है, बाकी ग्लास रिले लगी हुई हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपर 0, 230 और 380 लिखा हुआ है। अगर आपके पास 380 ही है तो आप वायर ये 220 में 30 में लगी हुई है, ये निकाल के 380 में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 220 भी है तो फिर आप 220 में लगा लें। और वो आपने यहाँ कंटेक्टर में तीन वायर लगी हैं 380 की और ये लगी रहने दें
और अगर 220 है तो फिर आप वो वायर यहाँ पे, मेरे पास 220 था इसलिए मैंने ये एक पतली सी वायर जो है ये लाइन में ही लगाई है 220 वाली में। लेकिन अगर आपके पास 380 है और आप ये जो येलो लाइन साथ में लगी हुई है, आप ये वायर निकाल के उसमें लगा सकते हैं येलो वाली में, ठीक है, ये साथ में एंड पे है। अभी आप ऊपर कनेक्शन भी देख लें इसके, ये देखिए ये वाली छोटी वायर है, ये तीन वायर ऊपर लगी हुई हैं और ये यहाँ से निकाल के आप साइड पे लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 220 ही है तो फिर आप यहाँ ही लगी रहने दें और इसको चेक कर लें, नहीं तो यहाँ से उतारेंगे और येलो वाली में लगाएंगे और बाहर से हम 220 भी लेके आएंगे। येलो वाली सिर्फ यहाँ पर और कहीं नहीं जा रही, सिर्फ यहाँ पर रुकी हुई है बस, क्योंकि हमें सिर्फ 220 चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए। तो अगर 220 आपके पास नहीं है, ये वायर आपने यहाँ ही रहने देनी है, तो फिर आप ऊपर से 380 पे लगा दें वायर, ताकि ट्रांसफार्मर वैसे ही काम करे जैसे आपके पास करंट है। ये देखिए यहाँ पर ये सारी वायर जिस तरह से हैं आप इसमें लगा दें और बाकी उसमें, मैंने आपको जैसे आपको बताया है सेम आपने वैसे ही करना है और इंशाल्लाह जो आपकी ये लिफ्ट है वो काम करेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने आपको पहले बता भी दिया और अब जो है वो इसके कनेक्शन भी बता दिए हैं किस तरह से आपने करने हैं।